हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इडली की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ये इडली जो होगी वो भुनी हुई रवा के साथ होगी। ये अलग हटके इडली है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे सारे स्टेप आपको मालूम पड़ते जाएंगे। साथ में हम दो तरीके की चटनी भी बनाएंगे, जो एक तीखी होगी और एक नारियल की होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे इडली के लिए हमने एक कटोरी बारीक रवा लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाही ले लिया है। इसमें हम डालेंगे करीबन एक चम्मच देसी घी। ये इडली आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी, ऐसा आप कभी खाए होंगे तो हमें भी कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम थोड़ा सा उड़द दाल डाल देंगे, थोड़ा सा हम चना दाल डाल देंगे, थोड़ा सा हम कड़ी लीव डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे अपना रवा। हल्का सा हमें दाल को भून लेना है कच्चापन दूर करने के लिए और साथ में हम डाल देंगे अपना रवा। रवा को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये खड़ारा सा ना हो जाए, यानी कि जब हम इडली बनाएं तो वो एकदम हल्का सा तैयार हो, इसके लिए हम भून रहे हैं। और जिस रवा में घी की खुशबू हो, कड़ी पत्ता का फ्लेवर हो, उड़द और चना दाल हो, तो फिर उस इडली का स्वाद का क्या कहना। फ्रेंड्स, इसे हम भून के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपनी रवा को घी में 3 से 4 मिनट तक भुना है। आप देख सकते हैं इसकी कलर चेंज नहीं हुई है, पर इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर लेंगे और इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब तक अपनी रवा ठंडा होगी तब तक हम इडली के लिए दो तरह की चटनी बना लेंगे। तो ये चटनी में एक होगी नारियल की और एक होगी टमाटर की मसालेदार चटनी। देखेंगे तो आप दम रह जाएंगे। इडली के लिए हमने कढ़ाही में एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। तेल में हम 2 से 3 चिटकी जीरा डाल लेंगे, यानी कि आधी छोटी चम्मच हम जीरा डाल लेंगे। जीरा को हल्का सा हम चटकने देंगे। यहाँ पे हमने 5 टमाटर को, यानी कि बड़े साइज टमाटर को 4 पीसेस में काट रखा है। जीरा चटक चुका है, इसमें हम धीरे से छोड़ देंगे। यहाँ पे हम 4 से 5 हरी मिर्च डाल लेंगे, आधी इंच अदरक का टुकड़ा हम डाल लेंगे और टमाटर हमने डाल लिया है तो साथ में हम नमक भी डाल लेंगे। यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और चटनी चटपटी हो इसके लिए हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपने तीखा के अनुसार मिर्च एडजस्ट कीजिएगा और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर भी डाल लेंगे। इन सारे मसाले को हम टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे या तो सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 5 मिनट तक करीबन मसाला के साथ अपने टमाटर को पकाया है। टमाटर अपनी सॉफ्ट हो गई है चटनी के लायक। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और टमाटर को ठंडा होने के बाद हम इसे पीस के आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या हम डाल रहे हैं। तो हमारी टमाटर ठंडी हो चुकी है, चलिए हम इसे मिक्सर जार में निकाल लेते हैं। अब हम टमाटर की चटनी को और डिच बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है भुना हुआ चना, यानी कि ये रोस्टेड चना कहेंगे, और रोस्टेड मूंगफली का दाना। हम इसमें 2-2 चम्मच ऐड कर लेंगे, ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। चलिए हम इसका चटनी पीस लेते हैं। तो यहाँ पे अपनी टमाटर की तीखी चटपटी चटनी बनके तैयार है। तो चलिए हम इसे बोल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं।
अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी ये अपनी चटनी बनके तैयार है इडली के लिए। चलिए अब हम नारियल की चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी के लिए वही इंग्रीडियंट्स होता है जैसे कि फ्रेश कोकोनट जिसे हमने अभी अभी छिलका हटा के निकाला है, हरी मिर्च ले लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, करी पत्ता, अदरक और स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार ले रहे हैं और सबसे पहले इसमें हम मिर्ची, अदरक, करी पत्ता और कोकोनट डाल ले रहे हैं। तो चलिए हम इसको पीस के दिखाते हैं आपको। ध्यान रहे आपको जितना ज़रूरत हो उतना पानी डाल डाल के पीसिएगा। तो यहाँ पे हमारी नारियल की चटनी पीस चुकी है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो पतला बनाना चाहें तो थोड़ा और पानी डालिए, लेकिन ये अपनी चटनी बनके तैयार है इडली के लिए। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम नमक ऐड कर ले रहे हैं यानी कि अपने टेस्ट के अनुसार। अब चलिए हम इसकी तड़का की तैयारी कर लेते हैं। दोनों चटनी बन चुकी है, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे और साथ में हम अपना इडली का भी बैटर तैयार कर लेंगे। ये तड़का के लिए हमने तड़का पैन में एक चम्मच तेल डाल रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड, साथ में हम डालेंगे एक छोटी चम्मच उड़द की दाल, एक छोटी चम्मच चना दाल। इसे हम हल्का सा तड़का लेंगे, जलने नहीं देना है, जस इसमें खुशबू आए उतना ही हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दाल मस्टर्ड अच्छे से तड़क चुका है। अब हम पैन को साइड में लाएंगे और इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च। आप यहाँ पे लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार है ये। और साथ में हम डालेंगे कड़ी पत्ता तड़के में। तो कभी भी आप तड़का तैयार कीजिए तो कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालते टाइम आप पैन को उतार लीजिए, नहीं तो क्या होता है तेल के छींटे बहुत उड़ते हैं, उससे एक तो अपना गैस खराब होता है और दूसरा आग जलने का चांसेस रहता है। अब हम कड़ी पत्ता और मिर्च को फिर से पका लेंगे। अगर एक बार हम मिर्च और कड़ी पत्ता डाल लेते हैं तो फिर छींटा नहीं उड़ता है, उसे हम अच्छे से पका के फिर तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पे अपनी तड़का तैयार है दोनों चटनी के लिए। चलिए हम चटनी में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें से हम आधा तड़का टमाटर की चटनी के डाल रहे हैं, हमें दो बार तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, और आधा हम नारियल की चटनी में डाल देंगे। चलिए हम तड़का मिक्स कर लेते हैं। ये अपनी चटनी बनके तैयार है इडली के लिए। चलिए हम फटाफट अपनी इडली बना लेते हैं। अपनी चटनी बन चुकी है और बैटर भी फूल चुकी है। तो यहाँ पे हम फाइनल प्रोसेस ये सोडा का करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जब कभी हम इडली बनाते हैं या ढोकला तो लास्ट में सोडा डालते हैं, क्योंकि सोडा डालने के बाद ये बहुत जल्दी फूलता है। और फटाफट हम इसे इडली ट्रे में डाल के और अपने इडली मेकर में डाल देते हैं। तो सोडा को हमने मिक्स कर लिया। तो फ्रेंड्स हमने सोडा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हम अपना इडली ट्रे ग्रीस करके रख लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर अपने इडली ट्रे में भर लेंगे, क्योंकि इडली फूलने के बाद ये डबल हो जाती है। तो हम मोल्ड से थोड़ा सा कम ही बैटर इसमें डालने की कोशिश करेंगे। हमने सभी मोल्ड में अपना बैटर डाल लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने इडली बैटर मोल्ड में डालने से पहले गैस पर 1 लीटर पानी रख के गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम मोल्ड को सेट कर देंगे और इसे कवर करके हम 15 मिनट तक फुल फ्लेम पे स्टीम करेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं कि अपनी इडली कैसी तैयार हुई है। 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए अपनी इडली चेक कर लेंगे। तो हम कपड़ा के हाथ से ढक्कन हटाएंगे, नहीं तो ये बहुत गर्म होता है। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी इडली तैयार हुई है। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया अपनी इडली तैयार हुई है, बिल्कुल फट सी गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर ले रहे हैं और इसे डिमोल्ड करके आपको दिखा देते हैं। तो हम एक चम्मच को गीला कर लेंगे और धीरे धीरे अपने इडली को डिमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना इडली निकल चुका है, एकदम स्पंजी है।
और घी में भुना बेटर है तो स्वाद कितना बढ़िया है आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम सभी निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इडली डिमोल्ड कर लिया है। चलिए इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया अपनी नारियल की चटनी और यहाँ पे ले लिया हमने टमाटर की तीखी वाली चटनी। फ्रेंड्स ये दोनों चटनी जो है इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, आपको तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब हम यहाँ पे गर्मा गर्म इडली सर्व करेंगे। ये तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।